अब आप टीचर हैं तो क्लास के साथ अटेंडेंस, टाइम टेबल, टेस्ट वगैरह पे टाइम तो देना ही होगा ना, जरूरी नहीं है, क्योंकि टीचमेंट बनाता है आपकी क्लास को असली डिजिटल और ऑटोमेट कर देता है ये सारे काम। इसलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट। हेलो डियर स्टूडेंट, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है मिडलाइन आकलन 2021 कक्षा 8वीं। तो जो आपके मिडलाइन आकलन के पेपर चल रहे हैं, और कल आपका 3 जनवरी को है सामाजिक विज्ञान का पेपर, तो हम सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए वीडियो लेके आ चुके हैं। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि हम इसमें सभी क्वेश्चंस के साथ साथ आपको आंसर भी बताएंगे, जो कि आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, और सभी सब्जेक्ट मिडलाइन आकलन के पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, मिडलाइन आकलन सेतु पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 8वीं विषय आपका सामाजिक विज्ञान यानी कि एनएसटी। तो देखिए, दिशा निर्देश, सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, पहले आपका क्वेश्चन आएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो देखिए, इससे पहले हमने एक और जो मिडलाइन आकलन के पेपर की वीडियो डाली थी, तो ये पार्ट सेकंड, अगर किसी बच्चे ने वो वीडियो नहीं दिया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न आपका, पृथ्वी की दूसरी परत जो लगभग 2900 किलोमीटर की दूरी की गहराई तक फैली हुई है, उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, पर हमने यहाँ पे जो राइट वाला ऑप्शन है यानी कि सीधे उत्तर लिख दिया है, तो इसमें आपका आ जाएगा मेंटल। ठीक है, तो ये परत का नाम है, ये वाली इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद ये एक एक नंबर वाले प्रश्न है। उसके बाद देखिए, दूसरा प्रश्न, वायुमंडल की वह परत जिसमें सभी मौसम संबंधी घटनाएँ होती रहती है, तो वो कौन सी परत है वायुमंडल की, तो इसमें आपका आ जाएगा शोभ मंडल। तो आपको ये साथ के साथ आप याद भी करते हुए चल सकते हैं, क्योंकि कल आपका एग्ज़ाम है, तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन आपका, रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी। तो देखिए, रजिया सुल्तान है वो गुलाम वंश की शासिका थी। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 4, भूमध्य रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ने पर यहाँ का तापमान कैसा हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे उत्तर आ जाएगा आपका अधिक, यानी कि जब भूमध्य रेखा पर सीधे सूर्य की किरणें पड़ती है तो वहाँ का तापमान अधिक हो जाता है, यानी कि ज़्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट, ये एक एक नंबर वाले थे, 4 क्वेश्चन के आंसर हमने आपको बता दिए। अब आगे देख लेते हैं, सही जोड़ी बनाइए, यानी कि मैचिंग आएगी आपकी। तो देखिए, यहाँ पे मैचिंग को हमने सीधे डायरेक्ट उनके सामने राइट आंसर लिख दिया है, ये आपको एग्ज़ाम में ऊपर नीचे देखने को मिल सकते हैं, पर यहाँ पे हमने राइट आंसर लिख दिया। जैसे कि छत्रक को आपको मिलाना है पवन के अपरदन से, ठीक है, डेल्टा किससे बनते हैं, समुद्री तरंगों के अपरदन से, जल प्राप्त नदी के अपरदन से, और नेक्स्ट है स्टेक, तो स्टेक किससे बनता है, पवन के अपरदन से। तो यहाँ पे हमने राइट बता दिया आपको, तो ये हो गई आपकी मैचिंग। 4 नंबर के लिए, छत्रक को आपको मिलाना है पवन के अपरदन से, डेल्टा को समुद्री तरंगों के अपरदन से, जल प्राप्त को नदी के अपरदन से, स्टेक को पवन के अपरदन से, तो ये आपकी मैचिंग हो गई। अब आ जाते हैं हम प्रश्न नंबर 3 पर, खाली स्थान भरिए। तो देखिए, ये भी आपके एक एक नंबर के लिए आने वाले हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा डैश निर्माण कराया गया। तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया था, तो यहाँ पे आपको खाली स्थान में लिखना है कुतुब मीनार, जैसे कि हमने यहाँ पे उत्तर में लिख रहा हुआ दे रखा है आपको कुतुब मीनार। ठीक है, उसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 2, मध्य प्रदेश में डैश विधानसभा क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश में कितने विधानसभा क्षेत्र हैं, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा 230। ठीक है, तो आप साथ के साथ ये एक एक नंबर में बहुविकल्प में भी आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। थर्ड है, जो उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियाँ कौन कौन सी है, तो उत्तर पूर्वी राज्यों की जनजातियाँ हैं, तो यहाँ पे तीनों नाम दे रखे हैं, आप ये तीनों नाम लिख सकते हैं, नागा, भूटिया, गारो। पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी सतह को क्या कहते हैं, तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा शोभ मंडल। तो देखिए, 4 नंबर के लिए 4 फिलिप्स यहाँ पे हमने आपको बता दिए हैं। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, तो इनके भी हम आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चनों के साथ साथ क्वेश्चन ऊपर लिखे गए हैं और उनके उत्तर नीचे लिखे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, राज्य सरकार के कोई 2 कार्य लिखिए। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर आ जाएगा, राज्य सरकार के कोई 2 कार्य आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक आदेश है। तो क्या क्या है 2 कार्य, आंतरिक सुरक्षा और सार्वजनिक कार्य। उसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है, प्रश्न नंबर 2, विभिन्न प्रकार के बाजारों के नाम बताइए। तो देखिए, आप पहले लिखेंगे कि उत्तर में विभिन्न प्रकार के बाजार हैं, तो यहाँ पे 3 बाजारों के नाम दे रखे हैं, क्षेत्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार, और तीसरा आ जाता है आपका
दीर्घकालीन बाजार और राष्ट्रीय बाजार, ठीक है। तो आप ये इन तीनों चारों के नाम लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर तीसरा आ जाता है, मानसूनी जलवायु प्रदेशों की दो विशेषताएं लिखिए। मानसूनी जलवायु यानी कि जहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ की वैसे प्रदेशों की दो विशेषताएं लिखनी है। तो आपको पहले लिखना है मानसूनी जलवायु प्रदेशों की दो विशेषताएं निम्नलिखित। तो पहली विशेषता है कि मानसूनी जलवायु वाले प्रदेशों में दिन गर्म और रातें ठंडी होती है, और दूसरी है शीत ऋतु नवंबर से आरंभ होकर फरवरी महीने तक रहती है। तो ये दो विशेषता हो गई। तो स्टूडेंट उसके बाद आप जैसे आपका प्रश्न नंबर पाँचवा लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो पहला है कि अपने घर तथा विद्यालय में प्रयोग किए जाने वाले पाँच संसाधनों की सूची बनाकर लिखिए। तो देखिए जो जो आपके घर और विद्यालय में चीज़ें जो यूज़ में लाई जाती है उनको लिखना है। तो पहला आपको हेडिंग डालनी है, घर में प्रयोग किए जाने वाले संसाधन है पंखा कुर्सी टेबल टेलीफोन फ्रिज, ठीक है, और विद्यालय में ब्लैक बोर्ड चौक बेंच टेबल ये सब आप लिख सकते हैं। उसके बाद प्रश्न नंबर दूसरा, नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन में क्या अंतर है। तो आपको इनमें इनके बीच में अंतर बताना है। तो पहले आप हेडिंग डालेंगे नवीकरणीय संसाधन, ठीक है, फिर इसके बारे में लिख देंगे कि कौन कौन से होते हैं। वैसे संसाधन जिनको एक बार ख़त्म हो जाने के बाद भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो वो था आपके। उसके बाद आ जाते हैं आपके अनवीकरणीय संसाधन, वैसे संसाधन होते हैं जिन्हें एक बार ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, उनमें से है उन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कोयला पेट्रोल प्राकृतिक गैस आदि। और जो नवीकरणीय संसाधन होते हैं उसके उदाहरण है जल वृक्ष हवा सूर्य का प्रकाश आदि। तो देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, जल संरक्षण के तीन तरीके बताइए। जल संरक्षण के तीन तरीके निम्नलिखित है कि तीन पॉइंट डाल के लिख देंगे। इन्होंने तीन तरीके पूछे कि आप पानी को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी, हर नागरिक शॉवर की जगह बाल्टी में पानी भरकर स्नान करे, और सेविंग करते समय नल बंद रखे, ठीक है, और अगर कोई आपके घर में कोई नल लीकेज है तो उसको ठीक करा ले, तो इस सब चीज़ों से पानी बच सकता है। उसके बाद प्रश्न नंबर चौथा जाता है, घर पर ऊर्जा बचाने के पांच उपाय बताइए, यानी कि आप बिजली ऊर्जा को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो पहला कम वोल्टेज लाइट का प्रयोग करें, ट्यूबलाइट एवं ऊर्जा बचाने वाले बल्ब का प्रयोग करें, वैकल्पिक ऊर्जा जैसे सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, बिजली का कम प्रयोग करें, गर्मियों में सुबह सवेरे ही पर्दे दरवाजे बंद कर दें ताकि घर को ठंडा रखा जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं पॉइंटों पे बना के, जो कि इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। अब उसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए, मृदा अपरदन के कारण बताइए। तो मृदा अपरदन के कारण निम्नलिखित है, तो यहाँ पे मृदा अपरदन के कारण दे रखे हैं। तो स्टूडेंट ये था हमारे क्लास एट का सामाजिक विज्ञान का मिडलाइन आकलन का पेपर, जो कि आपको 3 जनवरी का होने वाला है। तो उसके लिए हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो आपको गूगल या क्रोम पर जाके सर्च करना है HC राइटिंग मिडलाइन आकलन क्लास 8 सामाजिक विज्ञान, तो वहाँ पे हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट के मिडलाइन आकलन के पेपर के जो है लिंक दिए गए हैं, जिन्हें आप आसानी से PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।